नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आज भी का फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कीजिएगा पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आपको ढेर सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सो ऐसे में दोस्तों, मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप से आसानी से कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहां से चेक आउट करके डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं। और आने के बाद दोस्तों, थ्री डॉट में क्लिक करना है, यहां मिलेगा आपको थ्री डॉट का आइकन, प्रेस कीजिएगा और नीचे डेस्कटॉप साइड का बटन मिलेगा, प्रेस कीजिएगा। तो आप स्क्रॉल करते हुए डाउन आइए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेनिफिशियरी स्टेटस, मतलब वॉच का आइकन मिलता है, के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए टू ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक मोबाइल नंबर। आपके पास दोनों में से कोई अगर है तो वह इंटर कीजिएगा और कैप्चा फिलअप कीजिएगा। तो मैं आपको यही एक स्टेप बताऊंगा जिसके द्वारा आप चेक कर पाओगे, अगर मिस कर देते हैं तो आप चेक नहीं कर पाओगे। तो क्या है ट्रिक, मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा है के ऊपर प्रेस करके रखना है कुछ देर के लिए। जैसे प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक ओपन इमेज इन न्यू टैब का ऑप्शन मिलेगा, प्रेस करना है। तो न्यू टैब में जो कैप्चा है वो ओपन हो गया है, तो सेम टू सेम इस कैप्चा को, इस वाले कैप्चा इमेज कोड में भर वो पंजीकृत नंबर यहां डालेंगे। तो जैसे कि मैंने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला, तो अब क्या करूँगा, जो कैप्चा यहाँ न्यू टैब में दिख रहा है इस कैप्चा को वहाँ फिल करना। तो जैसे आप पंजीकृत मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, कैप्चा फिलअप करते हैं न्यू टैब के अकॉर्डिंग, उसके बाद दोस्तों गेट डाटा को प्रेस करना है। तो जैसे प्रेस करते हैं तो आपके जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस में आप करेंट स्टेटस देख सकते हैं, जैसे कि आपका नेम क्या है, फार्मर नेम और फार्मर का जो फादर नेम है वो, और मोबाइल नंबर यहाँ फोर्थ डिजिट शो करेगा, बाकी जो सिक्स डिजिट है वो हिडन रहता है, और स्टेट आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ऑल प्रोफाइल आपका शो करेगा यहाँ, ठीक है। और आपने कब इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, डेट भी मेंशन रहेगा। तो मैं बता दूँ आपको एक बार कि यहाँ एक्टिव स्लैश इनएक्टिव में अगर एक्टिव रहता है तभी आपको जो है नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है, जैसे कि अगर आपको 10 इंस्टॉलमेंट मिला है और 11 इंस्टॉलमेंट आने वाला है, अगर एक्टिव रहेगा तभी आपको मिलेगा 110%, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ इनएक्टिव रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा, अगर इनएक्टिव रहता है तो यहाँ दोस्तों रिमार्क्स में लिखा हुआ रहेगा कि कारण क्या है जो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हो सकता आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, जिसके कारण से आपको नहीं मिलेगा। आप स्क्रॉल करते हुए डाउन आइए तो आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा रहेगा, तो ये यहाँ मेंशन रहेगा। इस किसान का जो मैंने अभी चेक किया है, इसका 8 इंस्टॉलमेंट आने वाला है, RFT साइंड बाय स्टेट फॉर 8 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो ये आएगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ RFT साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसे कि अगर आपका करेंट स्टेटस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई हो जाता है और आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको यहाँ RFT साइंड बाय दिखेगा। अगर आप अनएलिजिबल है, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ RFT साइंड बाय नहीं दिखेगा। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि जैसे अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट प्रोवाइड किए थे, उसमें अमाउंट ना जा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट में चले गया, तो जैसे कि इस फार्मर का हुआ, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी 2022 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में अमाउंट आता था, बट दोस्तों 7 इंस्टॉलमेंट वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में चले आया। तो यह कैसे हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या कारण है। तो जैसे कि दोस्तों अभी जितने सारे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, चाहे वो फिनेंशियल सर्विसेज के लिए हो, चाहे जो सर्विसेज के लिए, और दोस्तों आपके जितने सारे डाटा है, ठीक है, जैसे कि फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हुआ, जैसे पासबुक हुआ, बैंक अकाउंट नंबर हुआ और आधार कार्ड, ये जितने सारे डाटा है उसको PFMS वेरीफाई करता है। तो PFMS क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो भारत सरकार का एक स्कीम है, इसके तहत आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, ठीक है।
और दोस्तों पैसा जो है वह डीबीटी के माध्यम से आता है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, तो ये चलता है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देखेंगे पेमेंट मोड आधार है, अगर दोस्तों सपोज दैट अगर यहाँ अकाउंट रहता तो जो आपने अकाउंट नंबर प्रोवाइड किए थे उसमें अमाउंट जाता, ठीक है। बट दोस्तों अगर आपके पेमेंट मोड आधार है तो जो आधार जिस बैंक अकाउंट से लिंक है, फर्स्ट टाइम जब आप लिंक किए थे आधार जिस भी बैंक अकाउंट से, चाहे वो सेंट्रल बैंक का हो, स्टेट बैंक का हो, जो भी बैंक का हो, उसमें अमाउंट जाएगा, ना कि जो आप रिसेंटली बैंक अकाउंट ओपन किए हैं उसमें जाएगा। डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट टाइम कौन सा बैंक में अकाउंट ओपन किए थे आधार के साथ, तो उसमें अमाउंट जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप बेनिफिशियरी स्टेटस अपने मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन से करने के लिए सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर किसी तरह का डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ के जाइए, जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए विजिटर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करते जाइएगा।